हाय गाइस, स्वागत है हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ में। और आज हम देखेंगे कि आप GTA 5 ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 का कैसे बिना ग्राफिक कार्ड पीसी में चला सकते हैं। हाँ, बिना ग्राफिक कार्ड पीसी में, वो भी सबसे ज़्यादा ज़्यादा FPS और हाई ग्राफिक्स पे। यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको गेम प्ले भी दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ फाइल डाउनलोड करने पड़ेंगे, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका है। और मैं आपको एक पहले वीडियो रिकमेंड करूँगा, जो अगर आपको व्हाट इज इंटेल HD ग्राफिक पता नहीं है तो पहले वो देख लीजिए, वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए। मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर अभी पहले डिस्क्रिप्शन से अपनी फाइल डाउनलोड कर लीजिए, मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये है फाइल, 6B ऐसे कुछ नाम है उसका। तो ये फाइल ओपन करना, बूस्ट ऑप्शन है, ये सब आपका वर्जन चूज करना है। रिटेल वर्जन है क्या है, स्टीम वर्जन है। अगर आपने स्टीम से डाउनलोड किया है तो आपको स्टीम वर्जन में क्लिक करना होगा। अगर बाकी के वर्जन हो तो आपको रिटेल वर्जन में क्लिक करना पड़ेगा। ये सबको कॉपी करके अपने इसके GTA 5 के डायरेक्टर में पेस्ट करनी है। डायरेक्टरी कैसे देखनी है, राइट GTA 5 के ऐप होंगे, राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन कीजिए और इसमें ये सारी फाइल पेस्ट कर देनी है। और दूसरी जो फाइल है वो सेटिंग, सेटिंग के बाद में बताता हूँ, पहले ये ग्राफिक्स का हाई ग्राफिक्स कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें वो भी आपको GTA 5 के डायरेक्टरी में डाल देनी है। तो ये हो गई इसकी बात। अब दूसरी बात करेंगे, अब ये सबसे फाइनल बात वो सेटिंग है। तो आपको यहाँ पे दो तीन पीसी दिखेंगे, अल्ट्रा पीसी, ये अल्ट्रा पीसी, ये आपको आज का नहीं चुना है इसको, ये इसके लिए जिसके पास ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का उसके लिए। और हाई पीसी नहीं चलेगा, हाई पीसी के लिए सपोज आपको 8 GB तो भी रैम चाहिए। अगर आपकी 8 GB रैम नहीं है, 4 GB रैम है, तो आपको मीडियम पीसी पे क्लिक करना है। और अगर आपकी 2 GB या 3 GB रैम है तो इसके लिए आपका i3 या पेंटियम है तो 1 और 2 कीजिए। i3 और पेंटियम, i3 और पेंटियम कौन सा, थर्ड जनरेशन का। अगर आपके फोर्थ जनरेशन के ऊपर है तो आप मीडियम ही पीसी क्लिक कीजिए। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ओपन करना है, मीडियम पीसी को सेटिंग को ओपन होने देना है। और ये सारे सेटिंग को यहाँ से वर्जन वैल्यू से लेकर नीचे वीडियो, नीचे के दो लाइन छोड़ के इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में जाकर जाना है रॉकस्टार गेम्स और GTA 5। इधर आपको सेटिंग खोलनी है, सेटिंग को इसके साथ खोलना है, नोट पैड के साथ। इसको सेटिंग से लेकर वर्जन वैल्यू से लेकर वीडियो के ऊपर तक इसको आपको हटा कर बैकस्पेस करके पेस्ट करना है। मैंने ऑलरेडी कर चुका है तो मैं करूँगा। और बाद में उसको सेव कर देना है। सेव करने तक सब सेटिंग हो चुकी है, अपने हाई ग्राफिक्स जो सब आ चुके हैं। अब हम देखेंगे गेम प्ले। तो गेम प्ले के लिए मैं दूसरा रिकॉर्ड यूज़ करूँगा, शायद उसमें लैग हो सकता है, पर ओरिजिनल में लैग नहीं होता, माइनर लैग हो सकता है। तो देखेंगे अब, मैं अभी रिकॉर्डर खोलता हूँ और वीडियो मर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे गेम चल चुके हैं एकदम, अरे क्विट क्यों आ गया। तो यहाँ पे हमारी गेम चल चुकी है, वो भी विदाउट एनी लैग। अब हम देखेंगे गेम प्ले। और एक बात मेरे को बताने के लिए रहेगी कि आपको जब गेम चालू करनी है तो आपको नंबर ऑफ प्रेशर पे गेम पीसी चालू करना होगा। वो नॉर्मल नंबर ऑफ प्रेशर क्या है मैं आखिर में बता दूंगा, वीडियो एंड तक देखिए। अभी हमारी गेम लोड हो रही है, आप तो लोड होने दीजिए, आप स्किप भी कर सकते हैं 30 सेकेंड्स आगे, देखेंगे आप। तो ये हो गए आपके सबसे लोएस्ट ग्राफिक्स। अब जो हमने मोड डाला था हाई ग्राफिक्स का, उसको ऑन कैसे करना है, जब गेम पूरी लोड हो जाएंगी तो आपको F12 दबाना है। मैं दिखा दूंगा, ये देखिए 3 2 1, ये देखिए आपकी पूरा ग्राफिक्स हाई हो गए, ये लो और ये हाईएस्ट ग्राफिक्स। तो हम अभी थोड़ा गेम प्ले देखेंगे, उसके बाद में दिखाऊंगा कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है,
आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़े लैग हो रहा है। हम थोड़ी गाड़ी स्पीड में चला के देखेंगे, फिर देखेंगे गाड़ी लैग होती है या नहीं। मुझे फर्स्ट पर्सन में पसंद है तो मैं फर्स्ट पर्सन में लूँगा। वीवी दबा के ये फर्स्ट पर्सन हो गया। आप देख सकते हैं कोई भी लैग नहीं हो रहा, अब तक तो नहीं हो रहा। मैंने आखिर ये गेम 3 घंटे तक खेली थी लगातार, तो भी कुछ लैग नहीं हुआ। Bitch ass. आप देख सकते हैं मैं गेम खेलते हैं अच्छे से, और तुम्हें कोई भी लैग नहीं हो रही है। अरे कुत्ता मर गया। अरे खरगोश था। तो देखने के लिए शुक्रिया, लाइक करना, पसंद आए तो डिसलाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो, और क्यों पसंद आए तो कमेंट में तो बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप देखेंगे अब नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्वे कैसे करना है, तो इसके लिए मुझे गेम फिट करनी पड़ेगी। तो ये मैं गेम मैं अब एग्जिट कर देता हूँ। तो अभी हम गेम के बाहर आ चुके हैं, और अब आपको दिखाऊंगा कि आपको मेरे स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये देख सकते हैं प्रॉपर्टीज है, 4GB रैम है, 3.44 बस यूजेबल है, i3 का 4th generation का है, 4050 एंड 4th generation, और 1.7 GHz ना कि 2 GHz, 64 bit का प्रोसेसर है। और मैं आपको एक ग्राफिक कार्ड भी दिखा देता हूँ स्क्रीन रिजोल्यूशन में एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 640 MB यानी कुछ ग्राफिक कार्ड नहीं है, और इंटेल का ग्राफिक कार्ड है, वो भी इंटेल एच डी का 440 है, वो काफ़ी लो है, 4th generation का है, तो मालूम नहीं था ग्राफिक कार्ड होता क्या है। तो अभी आपको दिखाऊंगा गेम चालू करने से पहले आपको क्या करना है। तो जब आप गेम चालू करेंगे तो उसके पहले आपको हाई परफॉर्मेंस पे कर देना है। आपको प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस सेटिंग, और यहाँ पे सेटिंग में जाके एडजस्ट पर बेस्ट परफॉर्मेंस पे टिक करके ओके करना है गेम चालू करने से पहले। तो आप कुछ फर्क दिखेंगे वो सब आपको जो सिस्टम GPU यूज़ कर रही है वो सब खाली कर देंगे, और आपको सब गेम के लिए डाल देगा। जब आपका गेम खेलना हो जाए तो लेट इस पर क्लिक कर देना, आपका विंडोज जैसा वैसा होगा, सब फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, सब जो भी विंडोज़ के लिए चाहिए वो सब GPU में चला जाएगा। और दूसरा कि आपको पावर मैनेजमेंट पावर ऑप्शन पे क्लिक कर गए, पावर मैनेजमेंट हाई परफॉर्मेंस पे कर देना है। यहाँ पे प्लान दिखेंगे, ज़्यादातर बैलेंस पे रहेगा। अब जब गेम खेलती है तो हाई परफॉर्मेंस से हाई परफॉर्मेंस पर फेवर्स परफॉर्मेंस करेंगे, और एनर्जी से बहुत लेंगे, आपकी बैटरी तो ख़त्म हो जाएंगे 1-2 घंटे में, इसलिए अब चार्जिंग को लगा खेलना होगा। यहाँ पे 4 मैसेज देखना हाई परफॉर्मेंस का, आप उस पर क्लिक करके खेलना है। अब मैं ये नहीं कर रहा इसलिए नहीं है। तो और आखिर में नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स, आपको कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर है। जब आप गेम खेलते हैं तो आप मैक्सिमम जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोसेसर भी चलता है गेम, लेकिन आपके अगर पेंटियम है तो आपके लिए 2 प्रोसेसर रहते हैं, तो आपको बाय सिस्टम करना होगा। अगर i3 है तो आपके लिए 4 प्रोसेसर आएंगे। तो प्रोसेसर कैसे आना है, तो आपको सर्च बॉक्स में जाके MS config क्लिक करना है, फिर MS config सर्च करना है, MS config आप सर्च करते हैं, MSCONFIG MS config रनिंग एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो यहाँ पे बूट पे जाना है, और एडवांस ऑप्शन किधर भी छूना नहीं है, बस आपको पहले नंबर ऑप्शन पे अनटिक रहेंगे उसको टिक करना है, और जो भी हाईएस्ट नंबर रहेगा उसको क्लिक करना है। वो हो गया आपको नंबर ऑप्शन, और एक बार आपको रिबूट मांगेगा, रिबूट कर देना है, और जो सेटिंग है लगा देना है, और आपका गेम एकदम सॉफ्टली चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक मार देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मार देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।